लोक प्रसार चल देख रहा है सारे भानु भैया मंगत रहे मगिर राम राम नमस्ते जय हिंद। भानुर भैया हम बैठे हैं फिलहाल लक्ष्मणपुरा खरखड़ी और खरखड़ी माखवाण के बीच में, यहाँ बस स्टैंड के ऊपर जो किसानों का धरना और प्रदर्शन भूख हड़ताल चल रही है लगातार, आपने पहले भी इसकी काफी वीडियो देख चुके हैं। आज इस धरना प्रदर्शन के बीच में हमारे बीच में बैठी कांग्रेस की बहुत ही वृद्ध मानो या वरिष्ठ नेता चौधरी किरण, और किरण चौधरी जो है अपना समर्थन इन किसानों को देने के लिए यहाँ पर पहुंची है। हम उनसे भी दो बातें करेंगे, किसान भी यहाँ भूख हड़ताल पे आप सामने देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा प्लीज दिखाएं, ये एक भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और श्रीमती किरण चौधरी जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है और भूतपूर्व मंत्री हैं और खास करके तोसा मलके की हमारी रहनुमा हैं, और इनकी रहनुमाई में लगातार चौधरी बंसीलाल के परिवार से यहाँ विकास का जो कार्य हुआ है, आज फिलहाल किसानों का समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंची, इनसे बात करते हैं। प्रणाम नमस्कार जी। राम राम लांबा साहब बताओ। मैडम आप, मेरा सबसे पहले सवाल तो यही है कि आप काफी बार यहाँ समर्थन देने के लिए किसानों के साथ हमेशा से खड़ी रहती हैं, लेकिन जो किसानों के लिए हो बन पा रहा है वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों? जब सरकारें अहंकार हो जाएं और उनके रहनुमा अहंकारी हो जाएं तब इस तरह की बातें सामने नजर आती हैं। जिस तरह से महामारी के समय पर, कोरोना की महामारी के समय पर पिछले दरवाजे से ये तीनों काले कानून ये बीजेपी जो लेकर आई, मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा और शर्मनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती कि किसानों को उनके हक से उनको महरूम करा जाए। आज जो है 2 महीने को हो गए हैं और किसान जो हैं कड़कती ठंड के अंदर बैठे हैं। अभी मेरे ये भाई बता रहे थे कि 125 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी है, सड़कों के ऊपर हैं और कह रहे हैं कि ये तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए। तो मुझे समझ नहीं आ रही, जब किसान भाई खुद ये बात कह रहे हैं कि रद्द किया जाए, तो ऐसा क्या इन लोगों के अंदर पूंजीपतियों का ऐसा प्यार बीजेपी के अंदर उमड़ रहा है कि इनको रद्द नहीं करा जा रहा? रद्द करने की तो बात छोड़िए, इनको बांटने की कोशिश करी गई है जो हमेशा बीजेपी की नीति रही है। धर्म के ऊपर बांटते हैं, जहां धर्म की बात ना हो वहां जात पात पे बांटने की बात होती है। आज जो है किसान की कोई जात नहीं है, किसान हर वर्ग का है, और ये जात पात की राजनीति करके जो है ये जो सत्ता हत्याई है आज सबके सामने है कि कितनी झूठ इन लोगों ने बोली है, हर चीजों में झूठ बोली। जब देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि 10 दिन के अंदर अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, मैं C2 फॉर्मूला लागू करूंगा, आज 6 साल से ऊपर हो गए उसकी कोई निशान नहीं है, 2.5 करोड़ आदमियों को नौकरी दूंगा, आज बेरोजगारी जो है चरम सीमा के ऊपर है, तो ये सारे 15 लाख रुपए जो है हर एक की जेब में आएगा, पता नहीं क्या क्या नहीं, अच्छे दिन ये तो अच्छे दिन जो हैं ये नजर आ ही रहे हैं। पर जब जनता जो चीज़ को नहीं मान रही और नकार रही है, फिर उनको इतने दिन सताने का क्या औचित्य है? बूढ़ी माताएं बैठी हुई हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, ये केवल एक किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। और उसके बाद अगर आकाओं को, ये राजनीतिक आकाओं को ये बात समझ नहीं आ रही तो उनको समझ आ जाएगी, क्योंकि वोट की चोट जो है ना वो उससे इनको समझ आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। और दुर्भाग्य की बात एक और है कि फिर इनको बांटने की कोशिश करी जा रही है। किसान के लिए इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है कि बीजेपी के मंत्री इनको कहते हैं ये चीनी है, कहते हैं बीजेपी के मंत्री इनको कहते हैं पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, हाँ, जो शांतिपूर्वक ढंग से सारा काम कर रहे हैं, जो अंध आता है हमारा धरती पुत्र है, जो अपना क्या कहते हैं मेहनत कमाई मेहनत करके अपना जो है खून पसीने की मेहनत करके अपने आप पेट पालता है और देश का पेट पालता है, आज उनको चीनी पाकिस्तानी कहा जा रहा है, और कुछ नहीं मिलता तो फिर कांग्रेस ही कह देते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये जनता के सबके सामने हैं, और बांटने की आप बात करते हो बार बार, कभी कोई मुद्दे से बांटोगे कभी कोई मुद्दे से, अब लोग बेवकूफ नहीं है, समझ आ गई है कि ये कानून जो है जब तक रद्द नहीं होंगे ये इन्होंने कुछ नहीं करने वाला। ये कह रहे हैं ना स्थगित कर देंगे, 18 महीने तक स्थगित कर देंगे, ये भी एक तरीका है ये बताने का कि भाई इनका जो आंदोलन है वो किसी तरह से खत्म हो जाए, उठ जाएंगे फिर बाद में देखी जाएगी। अरे क्यों नहीं कहते आप कि हम इनको खत्म करते हैं ये कानून को, और उसके बाद जो है आप एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी के अंदर किसान के जो इतने सारे प्रतिनिधि हैं उनको बिठाओ,
अगर आप उनका कुछ भला करना चाहते हो, कहते तो हैं 2022 तक उसकी आय दुगनी करेंगे। अब मुझे समझ में आया ना, ये दुगनी आय की बात क्या कह रहे हैं। दुगनी का मतलब ये है कि वो 2022 तक तो उसको बिल्कुल उसकी सारी जमीन ही ले लेंगे। जो ये तीनों काले कानून हैं, ये अगर लागू हो जाते हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित करे हैं थोड़े दिन के लिए, ये लागू हो जाते हैं तो ये तो अपनी जमीन के अंदर मजदूर बन के बैठ जाएंगे सारे के सारे किसान भाई। और ये समझते हैं, ये जानते हैं, ये सोचते हैं कि ये अनपढ़ हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है। इनको ये नहीं मालूम कि अगर ये बीजेपी डाल डाल कर रही है, डाल डाल पे बात करती है, तो ये जो किसान भाई है ना, ये पात पात भी इनको पता है। एक प्रश्न और मैडम, कि जब अभय सिंह चौटाला परसों यहाँ रैली निकाल के गए अपने बैनर के तले, अपने झंडों के तले, और आप पार्टी भी और दूसरी पार्टी भी, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार तन मन और धन से लगे हुए, ये कांग्रेस के बैनर तले क्यों नहीं करे जा रहा है? ये बैनर की बात नहीं है, ये जन आंदोलन है भैया। हम इसको इसको राजनीतिक इसको रूपरेखा नहीं देना चाहते, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, समझ गए ना। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष के नाते आज जो है सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष के नाते हम कोई चुपचाप बैठ के थोड़ा देख सकते हैं। तो हम हर तरीके से सहयोग हमारा होगा और हम करेंगे, क्योंकि विपक्ष भी तो आप में से ही है, ये तो परिवार है हमारा। तो जहाँ गलत होगा वहाँ पे हम भी पहुँचेंगे, क्यों नहीं पहुँचेंगे। इसके ऊपर हम राजनीति नहीं खेल रहे। 26 जनवरी के बारे में, 26 जनवरी की परेड के बारे में दो शब्दों में। अब जो जवानों, जो हमारे किसान भाई जो भी उस पे फैसला करेंगे, हमारा समर्थन उनको पूरी तरह से। ये